ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। अभी आपको बताएं, मुल्क भर में कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इम्तिहानात और तालीमी इदारों को बंद करने से मुतालिक हुकूमत ने अहम ऐलान कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बाज़ अज़ला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क के कौन कौन से अज़ला में स्कूल्स बंद रहेंगे, इसकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह कहा कि ऐसे अज़ला जहां कोरोना के केसेस की शरह ज़्यादा है वहां तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। बात करें अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में भी तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने भी 9 अज़ला में तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा और शेखुपुरा में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो केपी हुकूमत ने भी 10 अज़ला में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पिशावर, मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, मालाकंड, स्वात, नौशहरा, लोअरदीर और बुनीर में स्कूल्स 11 अप्रैल तक बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि इम्तिहानात के हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में, जून में या जुलाई में ज़रूर होंगे, जबकि कैम्ब्रिज के इम्तिहानात जल्द शुरू होने वाले हैं, लेकिन इनसे एक और मीटिंग करके कैम्ब्रिज सिस्टम का फ़ैसला किया जाएगा।